अगर मेरा पूरा वीडियो देख लोगे 8 अम्स पे, और तो तुम्हारा चाहे नीट और जेई के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस चैप्टर की खास बात है कि नीट और जेई के लेवल लगभग लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। मैं इतना सारा अपलोड कर दूंगा, सब कुछ फ्री, क्योंकि यार तुम मतलब तुम अगर पूरा इसको देख लोगे जितना मैं अपलोड कर दूंगा 8 अम्स पे, तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता यार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कर रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हम सबको पता है कि अगर यार ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से अगर मैं दूर जाता हूँ, ये न्यूक्लियस से अगर दूर जाता हूँ, वैसे तो ऑर्बिट ऐसे नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, एन इज इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। तो हम सबको पता है कि इधर से अगर मैं दूर जाता हूँ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड डिक्रीज होती है। स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? स्पीड इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा एन इज इक्वल टू 1 में होती है। तो स्पीड डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, हमको पहले से पता है। मतलब ये हुआ, अगर इन सभी ग्राफ में अगर इन ग्राफ को अलग करके देखोगे तो पहला जो ग्राफ है स्पीड वर्सेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ए, वो कुछ ऐसा है। दूसरा ग्राफ अगर देखोगे बी, तो कुछ ऐसा है। तीसरा ग्राफ अगर देखोगे ए बी सी, तो कुछ ऐसा है। और चौथा ग्राफ अगर कुछ देखोगे स्पीड ए बी सी, तो डी ऐसा है। तो स्पीड वर्सेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे प्यारे बच्चों, तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो स्पीड डिक्रीज होगी तो ये कभी सही नहीं हो सकता, ठीक है? और ये कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्पीड इंक्रीज हो गई है, तो 50-50 के चांस हमारे पास बन गए। अब स्पीड का फार्मूला हमें लिखना पड़ेगा यार, एक्चुअली लॉजिकली हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो स्पीड वी इज इक्वल टू होता है वी नॉट और एम वी नॉट इज इक्वल टू जेड अपॉन एन, ये मीटर पर सेकेंड। ये जो फार्मूला वो याद कर लो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो यहाँ से स्पीड वी नॉट की वैल्यू 1.28 × 10^6 और जेड अपॉन एन। तो अगर ये स्पीड है जनरल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर इसमें तुम देखोगे तो ये वी नॉट और जेड क्या है? कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एटम एक ही। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम है, तो जेड और एन तो फिक्स है। तो वी और एन में क्या रिलेशन आ गया? वी इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो अगर वी एन के प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपर बोला मतलब वी और एन, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है, ये वाला कर्व बनेगा जी। चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो।